तो आज के क्लास में क्लास 12th का 100 मार्क्स का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें पूरे कहानी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 5 में इस पार्ट का प्रश्न उत्तर, जो आपकी किताब में 10 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसको नोट करेंगे। पार्ट का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। 10 प्रश्न है, 10ों प्रश्न का अच्छे से आपको उत्तर लिख लेना है, याद कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे लिखे गए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा है, जहाँ पे व्याख्या करना है, तो उसको आप लोग अपने मन से पढ़ करके छोटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे उत्तर में हो गया कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटा छोटा आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या उम्मीद रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें, मतलब कैसे। गांधी भगत सिंह ने कहा था कि जब तक हम कष्ट नहीं सहेंगे तब तक हमारा देश की सेवा नहीं हो सकती है। तो कैसे, जो बात बोले हैं सारा बात उसी बात को लिखना है। तो थोड़ा सा ये बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि उनका पत्र भी तो कुछ छोटा बहुत नहीं था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, मतलब कौन सी मृत्यु है जिसको सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इसी में है। इस संबंध में उसके विचारों को स्पष्ट करें। पहले पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, और दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, कैसे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों घर पे। 6 नंबर प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं, इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। पूरा वर्णन करना है, विधिवत वर्णन करना है, लेकिन मैंने छोटे में कर दिया है थोड़ा। अब आता है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। क ख ग करके दिया गया है किताब में, तीनों का अर्थ मतलब अभिप्राय लिखना है। पहला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। दूसरा है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। और तीसरा है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। एक जगह कहते हैं भगत सिंह कि जब बात देश की आए और वहाँ पर व्यक्तिगत कोई सुख त्यागना हो, अपना जीवन देना हो, तो उसे छोड़ देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, मतलब आज के टाइम में। अभी तो देश क्या है जी, क्या आपके विचार में ऐसा अच्छा है, देश के लिए ऐसा करना चाहिए। अपना पक्ष प्रस्तुत करें, आप अपने मन से लिखें इसके बारे में। 9 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं।
तो लास्ट में क्या पढ़े थे, भगत सिंह उस समय को चुनते हैं जब देश में सभी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हों, उस समय इनको क्या दिया जाए, फांसी दिया जाए। और लास्ट प्रश्न है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है, पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर हो गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें, और फिर इसका लास्ट पार्ट आएगा, इसका सारांश, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।